मैम की नाम की अपना जी मिस्टर शिवांगी परब आई फ्रॉम मुंबई। ओके, इस इवेंट में आप आए, कैसा लगा आपको यहाँ पे? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, ये सेकंड टाइम है जब मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, पहली बार में जो स्पेशल गेस्ट करके बुलाया था, आई वाज इनवाइटेड एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट, और आज मैं बकायदा यहाँ पे पेजेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूं। वेरी वेरी ग्रेट। आज आपने को अवार्ड भी जीता है, क्या कौन सा अवार्ड मिला आपको? This was a big, big surprise for me. मुझे मिसेस यूनिवर्स का अवार्ड दिया गया है। अच्छा, मिसेस यूनिवर्स 2023 and I'm really, really glad, blessed and all credit goes to Mr. Meet. आप जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्या संदेश देना चाहते हैं उनको जो नेक्स्ट जनरेशन? परफेक्टली, नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई जो भी आपका पैशन है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उसको ज़रूर फुलफिल कीजिए। कि आज क्या होता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, ये सोचकर घर वाले भी अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को, अपनी बहनों को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सबको सपोर्ट करिए। अगर लेडीज़ करना चाहती है कुछ, तो घर के लोग ही होते हैं जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी दुनिया को अच्छा करो, बुरा करो, यही बोलने के लिए। वैसे मैम, आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो ये लाइन है आपकी, गैम्बलर बहुत है इसमें, क्या आपका क्या कहना है? ग्लैमर तो है, इसीलिए तो हम हैं यहाँ पे। अच्छा, जिनको ग्लैमर में इंटरेस्ट होता है वही लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। अच्छा, जिनको ग्लैमर में इंटरेस्ट नहीं है वो शायद इसकी वैल्यू भी नहीं समझेंगे। कहीं ना कहीं इस लाइन में कोई लड़की अनसिक्योर भी होती है कि वैसे ही एक अफवाह होती है कि लड़कियों का शोषण किया जाता है, आमतौर पर इल्जाम भी लगते हैं? वेल सर, आज की तारीख में कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे वुमेन इनसिक्योर नहीं है? वुमेन तो अपने खुद के घर में भी इनसिक्योर रहती है ना। अच्छा, सिक्योरिटी की बात सिर्फ ग्लैमर को या मीडिया को रिलेटेड नहीं होती है। अच्छा, ये तो इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन वैसा यहाँ पे मुझे तो आज तक कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है कि मैं इनसिक्योर हूँ। अच्छा, अच्छे लोग मिलते गए, अच्छे लोग जुड़ते गए, हम अच्छे से पहुँचे। आप संदेश देना चाहते हैं कि आप लड़कियों को बाहर निकालो घर से और आम परिवार वालों में? एग्जैक्टली, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाने के लिए अपनी गवर्नमेंट इतनी आगे बातें कर रही है, तो अगर लड़कियां पढ़ाई चाहती है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती है, इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, इस फील्ड में आना चाहती है, तो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली सपोर्ट देम। एंड गर्ल्स के लिए ये बहुत ब्यूटीफुल फील्ड है, अगर उनको इंटरेस्ट है तो वो जरूर ट्राई करें। एंड पेरेंट्स से, हस्बैंड से मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना गर्ल्स आगे नहीं बढ़ पाती। ठीक है, थैंक यू। की इवेंट करा रहे हैं जिसते? आज साडा मिस एंड मिसेस इंडिया क्लासिक क्वीन का इवेंट हैगा, जिहड़ा जीरकपुर रॉयल स्टेट का रॉयल पार्क रिसोर्ट दे विच कराया जा रहा है। की इत्थे की इहदा की इवेंट दा की मकसद की है? साडा मेन प्लेटफॉर्म इह रहिंदा वी जिहड़े नवे बच्चे ने जिन्हां नूं अगे वधण दा इक मौका दित्ता जांदा हैगा, ते मेन साडा जिहड़ा मेन जिहड़ा साडा प्रोसेस रहिंदा हैगा वी असीं बच्चे नूं इक नवा सुनेहा देना चाहुंदे आं वी मेहनत करके अगे वध्या जा सकदा है। अच्छा, जिदा आम तौर ते देखिया कि लेडीज़ नूं जां कुड़ियां नूं घरों निकलदे जिहड़े पेरेंट्स रोकदे, तुहाडा की कहना इस बारे? सर देखो, पंजों उंगलियां एक बार अपर नहीं होंदियां, जे आपां मेहनत दिल नाल करिए तां आपां जिहड़ी मेहनत है कि उह सफलता रंग लाउंदी है। अच्छा, इह इवेंट तुसीं रेगुलर कराउंदे हो? भाजी हर 2-3 महीने बाद कराउंदे। अच्छा, किन्ने पार्टिसिपेंट आ किन्ने अज किन्ने पार्टिसिपेंट कीता? सर 30 पार्टिसिपेंट ने। अच्छा जी, अजे कौन विनर वगैरह दा हो गया जे डिसीजन? नहीं सर, अजे बस फाइनल राउंड हैगा ते हुण रिजल्ट दा निकलण लग्या हैगा, क्योंकि जिन्ने भी मॉडल्स ने सब दे अंदर टैलेंट हैगा ते विनर करना बहुत मुश्किल होए हुए ने, ते इसे करके जजमेंट अपनी सलाह ते बैठे ने।